क्षेत्र के मेवालाल ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर कब्जा कर माफियाओं ने अवैध निर्माण भी शुरू कर दिया है। अब पीड़ित ने मिल एरिया थाना पहुंचकर निर्माण रुकवाने की गुहार लगाई। पाहे और ब्लॉक के आशा बहु कार्यकर्त्रियों ने सीएचसी प्रभारी हरिहर पुरानी के ऊपर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र में बताया कि फरवरी 2022 से अब तक आशा बहुआ का भुगतान नहीं किया गया है और पिछले साल 1 अप्रैल से दिसंबर 2021 तक दिए गए बाउचर के भुगतान में आधी कटौती कर ली गई है। फिलहाल आशा बहुओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जेएसवाई का पैसा नहीं मिल रहा है, इसीलिए तुमने नहीं जान नहीं मिला है। बाउचर का पैसा कटौती होकर को हमको सबको मिलता है, सारा पैसा नहीं मिलता। ये नहीं जानकारी है हमको सबको कि कौन किसका कौन मध का पैसा कौने महीने में लगता है, कितना लगता है हमको सब। पाताल में एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और कई मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। लोनी सभी तीनों ही लोग इसमें शामिल थे, तो इस पूरे सीओ लोनी के अल्टीमेट नेतृत्व में ये पूरी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से भारी संख्या में असलाह बरामद हुआ है। इसमें 45 वेपन मिले हैं, 45 तमंचे जिसमें विभिन्न प्रकार के हैं, 315 12 बोर। देवरिया में पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देश पर एसओजी और पुलिस ने रोडवेज तिराहे के पास से मुखबिर की सूचना पर ट्रैवलर्स बस की तलाशी ली। चेकिंग के दौरान बस में एक बेसमेंट मिला जिसे नट बोल्ट और वेल्डिंग के माध्यम से जोड़ा गया था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2566 शीशी हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 7,50,000 रुपए है। इसी के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसका बेसमेंट देखा गया तो उसमें कुछ सामान प्रतीत हुआ, उसको जो है नट बोल्ट और उसका लकड़ी जब काट के देखा गया तो उसमें ये 2566 शीशी शराब बरामद हुई। ये हरियाणा निर्मित है और ये स्मगलिंग करने के नियत से यूपी और बिहार में ले जाते हैं। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अग्रेतर जी कितने ये मास्टर रूम है। देवरिया में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क सुरक्षा माह के तहत बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी नागरिक सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, जिम्मेदार बने और सुरक्षित रहें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समस्त दो पहिया वाहन चालक और सवारी हेलमेट जरूर पहने। गोरखपुर में पशु तस्करी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हुए 25,000 के दो इनामी वांछित पशु तस्करों को कैंट पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की है। बता दें कि अभियान के जरिए पुलिस ने पशु तस्करों को पकड़ा है। पहले इस तस्करों ने पीआरबी और पुलिस की गाड़ी पर भी पत्थरों से हमला कर पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। कैंट थाना परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट श्याम देव बिंद ने बताया कि मामले पर खुलासा किया गया है। ये देखिए, एसएसपी सर द्वारा लगातार पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, पुरस्कार घोषित अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा था, वांछित अपराधियों के खिलाफ लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, हम लोगों को निर्देश भी दे रहे थे मीटिंग के माध्यम से और फोन करके भी वो लगातार निर्देशित करते थे। जो अपराधी वांछित चल रहे थे, पुरस्कार घोषित थे, एसएचओ कैंट को भी इसी क्रम में निर्देशित किया था उन्होंने, क्राइम ब्रांच स्वाट टीम को भी निर्देशित किया था। इसी क्रम में हमारी टीम लगातार पशु तस्करों के खिलाफ लगी हुई थी। इसी दौरान रात्रि में एसएचओ कैंट व इनकी टीम जो है कि इनको सूचना मिली, उधर स्वाट टीम को भी सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर जो है कि शहर में आए हुए हैं। उसी क्रम में इन्होंने लखीमपुर खीरी के ईशानगर थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी में पति ने अपनी पत्नी पर फावड़े से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति ने फावड़े से महिला पर कई बार वार किया था। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।